हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है कि 11 मार्च 2024 को गैलेक्सी ए सीरीज के नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी A55 एंड सैमसंग गैलेक्सी A35। और सैमसंग गैलेक्सी A55 के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर जरूर से चेकआउट करना। आज की वीडियो में बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A35 के बारे में, क्या माल मसाला यहां पर आपको मिल सकता है, क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइस पॉइंट क्या रहेगा एंड क्या आपको इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऐसे ही कंटेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी आपको बढ़िया मिलने वाली है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड रहेगा, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, फ्लैट ग्लास का आपको फ्रंट मिलेगा, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिसेंट आपको मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको IP67 की रेटिंग भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब वाटर रेजिस्टेंट फोन रहेगा, यह काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी में शिकायत नहीं आएगी, स्लिम रहेगा, लाइट वेट रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं रहेगा, बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करें तो वही गैलेक्सी डिजाइन यहां पर आपको मिलेगा, जहां पर आपको टॉप लेफ्ट में 3 कैमरास का सेटअप दिया गया है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिलता है, सैमसंग की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इस बार आपको सेंटर पंच होल यहां पर दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स मिलते हैं, पतली सी चेन आपको देखने को मिलती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो ब्लैक कलर डेफिनेटली आपको मिलेगा, उसी के साथ में व्हाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, मिंट कलर, वॉयलेट कलर, इनमें से कुछ 3-4 कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यस, बिल्ड क्वालिटी फोन का बढ़िया रहने वाला है, आईपी रेटिंग भी रहेगी, लेकिन डिजाइन वही पुराना आपको मिलेगा, कोई रिफ्रेशिंग डिजाइन यहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, डिजाइन में थोड़ी सी शिकायत आपको आ सकती है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.6 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले मिलेगा, बढ़िया साइज का डिस्प्ले है। इन एंड फील थोड़ा सा बल्कि आपको लगेगा, सिंगल एंड यूसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कॉन्टेंट वॉचिंग में मजा आएगा भाई। 6.6 इंचेस का जो डिस्प्ले है वहां पर आपको मिलेगा फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन एंड सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया जाएगा, मतलब वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो आपको मिलेगा, 390 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइट वाइन L1 का सर्टिफिकेशन डेफिनेटली यहां पर आपको मिलेगा, प्लस HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन आपको मिल सकता है। सो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस और ज्यादा आपको बेटर हो जाएगा, कंटेंट वॉचिंग में आपको शिकायत नहीं आएगी। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे, समवेयर अराउंड 800 nits की आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो विजिबिलिटी का भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। इंडोर विजिबिलिटी, आउटडोर विजिबिलिटी, डायरेक्ट सनलाइट, सारी जगह ये जो फोन है properly visible रहेगा, तो डिस्प्ले में तो आपको शिकायत नहीं आएगी। प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहां पर आपको मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। डिस्प्ले का साइज अच्छा है, पैनल अच्छा दिया गया है, कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया है, रिफ्रेश रेट अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, तो डिस्प्ले में तो आपको शिकायत नहीं आएगी भाई। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन के अंदर आपको मिलेगा सैमसंग एक्सिनस 1380 चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है लास्ट ईयर वाला चिपसेट है, चिपसेट अच्छा है भाई, चिपसेट खराब नहीं है, लेकिन एक जनरेशन पुराना है। 5 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी देगा, हीटिंग का इशू काफी कम आपको मिलेगा, थर्मल मैनेजमेंट फोन का बढ़िया रहेगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर आपको 4 A78 वाले कोर्स मिलते हैं भाई, मतलब डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको सॉलिड मिलने वाली है। डे टू डे की परफॉर्मेंस में कहीं से कहीं तक शिकायत आपको नहीं आएगी, मल्टीटास्किंग भी आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Armali G68MP 5 GPU मिलेगा, जो कि 5 कोर का GPU है, बढ़िया गेमिंग भी आपको करा देगा, ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके ठीक ठाक तरीके से निपटा देगा, तो वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ LPDDR4X RAM यहां पर आपको मिलेगा एंड UFS 2.2 का स्टोरेज आपको प्रॉबेबली देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर आपको हल्की सी शिकायत हो सकती है। अगर UFS 3.1 दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन प्रोबेबली यहां पर आपको UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा। सो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाली है। एंड्रॉइड स्कोर की अगर बात करें, लगभग 6 लाख के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है, व्हिच इज नॉट बैड, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में फोन आएगा वहां पर जस्टिफाई नहीं करता है, अदरवाइज प्रोसेसर अच्छा है, परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो में डेफिनेटली शिकायत आ सकती है। बात करेंगे कैमरास के बारे में, 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा, प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल
का OIS का सपोर्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, साथ ही में आपको एक मिलेगा 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड साथ ही में मिलेगा 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो शूटर। 3 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे, रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर OIS के सपोर्ट के साथ में। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि एक बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए भाई साहब कि ये जो स्मार्टफोन है 30,000 के आसपास लॉन्च होगा और 13 मेगापिक्सल्स का कैमरा भाई साहब डील ब्रेकर हो सकता है। हां, सेल्फी कैमरा से डेफिनेटली आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप अच्छा आपको मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा कैमरा दिया गया है, डिसेंट कैमरा सेटअप है। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। अब 5 नैनोमीटर का चिपसेट, AMOLED का डिस्प्ले, 5000mAh की बैटरी, कॉम्बिनेशन सही है भाई। बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, बैकअप में शिकायत नहीं आएगी, एक दिन सवा दिन का बैकअप ये जो बैटरी है आपको आराम से निकाल के देगी। ये जो फोन है 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, मत उम्मीद लगाओ। Yes, एक बार फिर से, चार्जर इनबॉक्स नहीं दिया जाएगा। 25 वॉट की चार्जिंग दी गई है, फिर भी चार्जर इनबॉक्स नहीं देते हो भाई साहब। अगर चार्जर नहीं देना है तो चार्जिंग स्पीड बढ़ा दो भाई फोन के अंदर। 30,000 के आसपास फोन लॉन्च होगा 25 वॉट की चार्जिंग के साथ में। मेरे हिसाब से ठीक ठाक बैटरी मॉड्यूल यहां पर आपको मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक प्रोबेबली नहीं मिलने वाला है। यस, 3.5mm जैक भी प्रोबेबली यहां से गायब किया जाएगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको, इधर उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे, NFC भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। सिक्योरिटी के लिए नॉक्स की सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, अल्टसी लाइफ यहां पर आपको मिल जाएगा, बाकी सारे सैमसंग के जो सिक्योर ऑप्शंस है, सिक्योर फोल्डर्स है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो वहां आपको शिकायत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलेगा, साथ ही में आपको मिलेगा One UI 6.0। और अच्छी बात यह है कि 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो अपडेट वाइज फोन बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इतने सारे अपडेट्स को ये प्रोसेसर संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा भाई, इस चीज को लेकर के कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन हां, ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज फोन बढ़िया रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको दिए जाएंगे, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रहेगी, लाउड इनफ रहेगी, प्रॉपरली ट्यून्ड रहेगी, प्लस डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है, तो फोन का ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा, वहां आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा, जहां पर या तो 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे या 1 सिम के साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए, स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, फोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। लेकिन प्राइस की अगर बात करें, जैसा मैं आपको वीडियो में 2-3 बार बोल चुका हूं, ये जो स्मार्टफोन है 30,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। बेस वेरियंट रहेगा 8GB प्लस 128GB, साथ ही में 8GB प्लस 256GB एंड प्रोबेबली 12 प्लस 256 भी आपको मिल सकता है। बेस वेरियंट रहेगा 30,000 के आसपास। 30,000 के आसपास बहुत ओवरप्राइज है भाई, बहुत ज्यादा ओवरप्राइज है, लेकिन सैमसंग की ए सीरीज है भाई, हमेशा से ओवरप्राइज रहती है। सो यस, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये फोन ना खरीदा जाए, लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कमेंट करके रीजन बताना भाई कि क्यों ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे एंड किस प्राइस पॉइंट पर खरीदना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सेलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग off. Bye-bye.